हेलो एवरीवन, जोहार। आज हम क्लास 8 का चैप्टर चैंपियन वेमेन के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ यूनिट 6A और आज हम इसका थर्ड और फाइनल पार्ट स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ इंडियन चैंपियन वेमेन के बारे में पढ़ा था। साक्षी मलिक, द फोगाट सिस्टर्स, सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, MC मैरी कॉम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दीपा कर्माकर, जिमनास्ट। दीपा कर्माकर इज एन आर्टिस्टिक जिमनास्ट हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 2016 समर ओलंपिक्स। दीपा कर्माकर एक आर्टिस्टिक जिमनास्ट है जिन्होंने 2016 के समर ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिमनास्ट एवर टू कम्पीट इन द ओलंपिक्स। वह ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट है। शी अटेंड फोर्थ पोजिशन इन वुमेन्स वर्ल्ड जिमनास्टिक इवेंट ऑफ रियो ओलंपिक 2016 विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 15.066। उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 की महिला वॉल्ट जिमनास्टिक इवेंट में 15.066 के ओवरऑल स्कोर के साथ फोर्थ पोजीशन प्राप्त किया था। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ वॉल्ट। वॉल्ट आर्टिस्टिक जिमनास्टिक सामग्री या उपकरण है जिस पर या फिर जिसे जिमनास्ट यूज़ करते हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए। अ ब्रॉन्ज मेडल एट 14 कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिमनास्ट टू डू सो इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम्स। उन्होंने ग्लासगो में 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वह खेलों के इतिहास में ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट बनी। शी वॉन अ गोल्ड मेडल इन द वॉल्ट इवेंट ऑफ FIG आर्टिस्टिक जिमनास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप एट मर्सिन टर्की इन जुलाई 2018। उन्होंने जुलाई 2018 में टर्की के मर्सिन में FIG जिमनास्टिक का संचालन मंडल है, जिमनास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप की वॉल्ट इवेंट में उन्हें गोल्ड मेडल जीता था। कर्माकर इज वन अमंग द 5 विमेन हु हैज सक्सेसफुली लैंडेड द प्रोडोनोवा, विच इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट डिफिकल्ट वॉल्ट करेंटली परफॉर्म्ड इन वुमेंस जिमनास्टिक। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोडोनोवा क्या होता है। ये एक वुमेंस आर्टिस्टिक जिमनास्टिक वॉल्ट है। इसे वॉल्ट ऑफ डेथ भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और जिसे कि ज़्यादातर जिमनास्ट परफॉर्म करना नहीं पसंद करते हैं। कर्माकर उन 5 महिलाओं में से एक है जिन्होंने प्रोडोनोवा को सफलतापूर्वक उतारा है, जिसे वर्तमान में महिला जिमनास्ट में सबसे कठिन वॉल्ट माना जाता है। शी ऑल्सो वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द एशियन जिमनास्टिक चैम्पियनशिप एंड फिनिश्ड 5th एट द 2015 वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिमनास्टिक चैम्पियनशिप्स, बोथ फर्स्ट फॉर अ कंट्री। उन्होंने एशियन जिमनास्टिक चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2015 के वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिमनास्टिक चैम्पियनशिप में 5वें पोजिशन पर रही। अपने देश में पहली बार ही ऐसा हुआ था। फॉर हर कमेंटेबल परफॉर्मेंस इन रियो ओलंपिक्स 2016, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड अपॉन हर द खेल रत्न अवार्ड इन अगस्त 2016। रियो ओलंपिक 2016 में उनके सराहनीय प्रदर्शन के लिए उन्हें सरकार ने अगस्त 2016 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। Now comes Deepa Malik, shot put thrower. Deepa Malik is an Indian athlete from Sonipat district, Haryana. Deepa Malik, Sonipat jila, Haryana ki ek Bhartiya athlete hai. Deepa used to get paralytic shocks since she was only 8 years old. Deepa jab keval 8 saal ki thi, tabhi se unhe paralytic attack means lakwa ke jhatke aane start ho gaye the. That didn't make any difference in her life. लेकिन इससे उनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा। एट द एज ऑफ 26 शी वॉज डायग्नोस्ड विथ स्पाइनल ट्यूमर एंड हैड गॉन थ्रू अ लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी। 26 साल की उम्र मीन्स जब वो 26 साल की थी तो उन्हें स्पाइनल ट्यूमर का पता चला और वह एक जानलेवा सर्जरी से भी गुजरी थी। शी वॉज आस्क्ड वेदर टू चूज पैरालिसिस और डेथ After the spinal tumor was detected and she chose life. वो इतनी बहादुर थी कि जब स्पाइनल ट्यूमर का पता चला था तो उनसे पूछा गया था कि भाई लकवा,
या डेथ में से किसे चुनेगी, और उन्होंने जीवन को चुना था। सिंस देन, तब से शी इज पैरालाइज्ड फ्रॉम वेस्ट टू बॉटम, और तब से वह कमर से नीचे लकवा ग्रस्त है, मीन्स वो उठ नहीं सकती, वो चल नहीं सकती, वो हमेशा व्हील चेयर पर ही रहती हैं। दीपा हैज़ वॉन टोटल 13 इंटरनेशनल मेडल्स, 47 नेशनल गोल्ड मेडल्स, 5 नेशनल एंड स्टेट लेवल सिल्वर मेडल्स एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इन हर लाइफ लॉन्ग विथ इन्यूमरेबल रिकग्निशन एंड अवार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स फील्ड। दीपा ने अपने जीवन में 13 इंटरनेशनल मेडल्स मतलब 13 अंतर्राष्ट्रीय पदक, 47 नेशनल गोल्ड मेडल, 47 राष्ट्रीय स्वर्ण पदक, 5 नेशनल और स्टेट लेवल के सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। साथ ही उन्हें विभिन्न स्पोर्ट्स फील्ड में असंख्य मान्यताएं और पुरस्कार भी दिए गए हैं। शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक गेम्स। वह पैरालंपिक गेम में पदक जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन है एंड वॉन अ सिल्वर मेडल एट द 2016 समर पैरालंपिक्स इन द शॉटपुट, और 2016 में समर पैरालंपिक में शॉटपुट में उन्हें सिल्वर मेडल जीता था। शी वॉज ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड इन 2012 एट द एज ऑफ 42। उन्हें 42 साल की उम्र में 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अपार्ट दीज प्लेयर्स, देयर आर अदर प्लेयर्स टू हु हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स इन इंडिविजुअल डबल स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक तानिया सचदेवा इन चेस, अंजलि भागवत इन शूटिंग, ज्योत्सना चिन्नप्पा इन स्क्वैश, हिना सिद्धू इन शूटिंग, ललिता बाबर इन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। इन खिलाड़ियों के अलावा अन्य खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने खुद को सिंगल या डबल स्पोर्ट्स इवेंट में विशिष्ट बनाया है, मीन्स अपने आप को एक नई पहचान दिलाई है, जैसे कि चेस में सानिया सचदेवा, निशानेबाजी में अंजलि भागवत, स्क्वैश में ज्योत्सना चिन्नप्पा, निशानेबाजी में हिना सिद्धू और लॉन्ग जंप में ललिता बाबर। देयर आर मेनी अदर स्पोर्ट्स वुमेन हु हैव एक्सेल्ड इन टीम स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, हॉकी एंड कबड्डी एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। कई अन्य खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी जैसे टीम खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मिताली राज, द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम रन्स इन अ टेस्ट इनिंग्स एंड ओनली द सेकेंड पर्सन इन क्रिकेट हिस्ट्री टू मेक मोर देन 5,000 रन्स इन ODI। इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज के नाम एक टेस्ट पारी में सबसे अधिक रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और वह क्रिकेट हिस्ट्री में वनडे में 5,000 मीन्स 5,000 से अधिक रन बनाने वाली दूसरी व्यक्ति है। सुशीला चानू इज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम हु लेड द टीम इन रियो ओलंपिक्स। सुशीला चानू रियो ओलंपिक में टीम का नेतृत्व करने वाली इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है। अदिति चौहान फ्रॉम दिल्ली इज द गोलकीपर ऑफ इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम। दिल्ली की अदिति चौहान भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर है एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर टू प्ले फॉर एन इंग्लिश क्लब, और साथ ही साथ इंग्लिश क्लब के लिए खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर है। देयर आर मेनी अदर स्पोर्ट्स वुमेन फ्रॉम झारखंड ऑल्सो हु हैव एक्सेल्ड इन देयर स्पोर्ट्स। झारखंड से और भी कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पूर्णिमा महतो एंड दीपिका कुमारी, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 एंड कॉमनवेल्थ गेम्स चैम्पियन, आर द इस आर्चर्स हु हैव वॉन मेनी मेडल्स फॉर द कंट्री। पूर्णिमा महतो और दीपिका कुमारी पूर्व विश्व नंबर 1 और कॉमनवेल्थ गेम्स की चैम्पियन एज तीरंदाज है, मीन्स कि वो बहुत ही एक्सपर्ट तीरंदाज है जिन्होंने देश के लिए कई पदक जीते हैं। हॉकी प्लेयर्स फ्रॉम झारखंड लाइक सुमराई टेटे, निकी प्रधान, कांति बा एंड मसीरा सुरीन हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स एंड आर इंस्पायरिंग अ लॉट। झारखंड की सुमराई टेटे, निकी प्रधान, कांति बा और मसीरा सुरीन जैसे हॉकी प्लेयर्स ने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। सो स्टूडेंट्स,
हम लोगों ने कुछ इंडियन विमेन चैम्पियन के बारे में पढ़ा। आई होप यू ऑल मस्ट हैव लाइक्ड इट। थैंक यू।